अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेवनटीन का टॉप पेक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर सेवनटीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द टॉप पेक सेवनटीन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सो Flow of information means that transfer of information from one place to another through different electronic and optical equipments. So, a information code transfer karna from one place to another place and by using different electronic and optical equipments. Like, for example, telephone. Telephone say. आप बहुत सी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस और टेलीफोन में हम नॉर्मली इलेक्ट्रिकल वायर्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाते हैं ओके okay? सो so, यहां हम लिखते हैं टेलीफोन में हम ओके okay? सो so, यहां हम मेंशन करते हैं कि टेलीफोन में हम इलेक्ट्रिकल वायर्स इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं सो इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड नाउ रेडियो टेलीविजन एंड सेलफोन और रेडियो टेलीविजन और सेल फोन में नॉर्मली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं बिकॉज इन वेव्स ने मूव करना होता है स्पेस में से और स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मूव कर जाती हैं आप ऑप्टिकल फाइबर को भी इस्तेमाल करके आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से लाइट को ट्रेवल करवा के भी आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं सो रेडियो टेलीविजन और सेलफोन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप ऑप्टिकल फाइबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली लाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है क्लियर सो आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करके आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं सो रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट लेटमोसफेयर और इसी तरह से अगर आप रेडियो वेव्स को ट्रैवल करवाते हैं तो क्योंकि अर्थ की आपको पता है कि एट कुछ लेयर्स हैं सो so, जब रेडियो वेव ट्रैवल करती है तो वो इन अर्थ की लेयर से रिफ्रेक्ट होकर बहुत सी इंफॉर्मेशन को लॉस कर देती है मीन कि उसमें सिग्नल जो है वो आपका काफी वीक हो जाता है जब वो इन अर्थ की लेयर से रिफ्रेक्ट होता है सो so, बेसिकली वो अपनी डायरेक्शन ही लूज कर देता है और सिमिलरली अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स की तो माइक्रोवेव्स जो हैं दैट आर नॉट रिफ्रेक्टेड माइक्रोवेव्स जो है ये रिफ्रेक्टेड नहीं होती so, अगर आप पास करें स्पेस में तो डिफरेंट लेयर्स तो ये रिफ्रैक्टेड नहीं होती क्लियर नाउ थ्री एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिकली तीन एसेंशियल पार्ट्स हैं दैट इज ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन चैनल एंड रिसीवर लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन से बेसिकली जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं सो टेलीफोन इज योर ट्रांसमीटर और फिर जिस भी ट्रांसमिशन चैनल को आप इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं दैट इज द योर मीडियम जिसके थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज मे बी वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल और सम काइंड ऑफ रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल एंड सिमिलरली जहां पर रिसीवर जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है सो वो होता है रिसीवर एंड अगर वहां पर टेलीफोन से वो रिसीव कर रहा है तो टेलीफोन उसका वहां पर रिसीवर एंड होगा क्लियर इस तरह से वहां पर एक आउटपुट सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाता है क्लियर सो so, हम इन थ्री असेंशियल पार्ट को इस्तेमाल करके हम कोई भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं अब यहां पर हम ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है इसको इस्तेमाल करके लाइक लेट्स सपोज स्टार्ट में आपके पास एक इनपुट सिग्नल है और इस इनपुट सिग्नल को आपने पास किया ट्रांसमिटर में से देन इट बिकम्स नाउ हेयर इट इज अ ट्रांसमिटेड सिग्नल और ये ट्रांसमिटेड सिग्नल जब इस ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन चैनल में से पास होगा तो एट द एंड आपको एक सिग्नल रिसीव होगा जिसको हम यहां पर कहते हैं कि रिसीव सिग्नल और रिसीव सिग्नल फर्दर पास करवाया जाएगा उस रिसीवर में से एंड देन इट बिकम्स द फाइनल आउटपुट सिग्नल सो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाया जाता है यार हम कह सकते हैं कि इसको ट्रांसमिट करवाया जाता है क्लियर अब हम डिस्कस करते हैं कि इन फर्दर एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं जो पार्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है सो so, अगर हम बात करें कि ट्रांसमीटर की तो ट्रांसमीटर जो है ये बेसिकली आपके इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है ओके सो ट्रांसमीटर क्या करता है ट्रांसमीटर इट प्रोसेस द इनपुट प्रोसेस द इनपुट सिग्नल

It is a medium in which a signal is sent from. टू रिसीवर। अगर हम बात करें कि इस ट्रांसमिशन चैनल में आप फर्दर किसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं सो so, इसमें हम डिफरेंट केबल्स का इस्तेमाल करते हैं आप कॉगजल केबल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिमिलरली इसमें आप रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सो इट कंसिस्ट ऑफ pairs of cables and coaxial cable and similarly radio waves and optical fiber cable so your transmission channel आपका इसमें से किसी भी केबल पर कंसिस्ट कर सकता है ओके okay? और अब जिस तरह से इन केबल्स की लेंथ इंक्रीज होती जाती है आपके सिग्नल की पावर डिक्रीज होती जाती है बिकॉज अगर हम बात करें कि ट्रांसमिशन चैनल में सिग्नल किस तरह से डिक्रीज होता है तो ट्रांसमिशन चैनल में बहुत तरह की इंटरफ्रेंस हो रही होती है बहुत तरह की नॉइस होती है बहुत तरह की डिस्टॉशन होती है ओके okay, तो ये सब क्या करते हैं ये आपके सिग्नल को वीक करते हैं सो so, जितनी आप इन केबल की लेंथ इंक्रीज करेंगे आपके सिग्नल की पावर उतनी ज्यादा वीक होती जाएगी क्लियर सो बेसिकली सिग्नल पावर डिक्रीजेस Due to the noise, interference, and distortion in. ट्रांसमिशन चैनलेंट नॉइज इंटरफ्रेंस और या फिर वजह से उस सिग्नल की पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है पास कर दिया अब आपके पास एक आउटपुट सिग्नल रिसीव हो गया है जो कि रिसीवर एंड पर रिसीव होता है क्या करता है रिसीवर उस सिग्नल को फर्दर सेंड करता है ट्रांसड्यूसर को उस सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद क्लियर सो सो व्हाट आर रिसीवर डू सो इट प्रोसेस द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन चैनल तो जितनी भी ट्रांसमिशन चैनल होंगे वहां का जो आउटपुट सिग्नल होगा ये उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको फर्दर सेंड कर देता है एंड सेंड टू द

increase the increase the amplitude of output signal compensate ट्रांसमिशन लॉस so, अगर वहां पर कोई ट्रांसमिशन लॉसेज हुए हैं तो उसको फर्दर कंपलसेट करने के लिए उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है सो so, इस तरह से आपके कोई भी डिस्ट्रॉक्शन में कोई सिग्नल कोई चीज अगर रह गई है तो वो चीज वो ओवरकम हो सकती है क्लियर सो आई होप यह लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर الله حافظ